अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सबा आज़मी और आप देख रहे हैं इब्रत न्यूज़ का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 19 अगस्त 2024 बरोज़ बुध, पिछले माह आपको याद ही होगा कि कारसाज के मकाम पर एक V8 लैंड क्रूजर गाड़ी ने कई अफराद को कुचल डाला था, जिसमें दो अफराद मौके पर ही जहां बहक हो गए थे, जिसमें से एक आमना आरिफ थी और वो अपने वालिद के साथ अपनी जॉब पर से आ रही थी। उनके वालिद का नाम था इमरान आरिफ। वो जो गाड़ी ड्राइव कर रही थी, वो एक बहुत बड़े बाप की बेटी थी और एक अरबपति शौहर की वो अहलिया थी। हादसा करने के बाद वो खातून जो है मौके से फरार होना चाहती थी, लेकिन वहां पर जो मुश्तैल अफराद थे उन्होंने उनको आ लिया और फिर उनको जाने नहीं दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और जब पुलिस को पता चला कि ये खातून किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखती हैं, तो पुलिस ने उनको प्रोटोकॉल में इंतहाई सिक्योरिटी में उनको जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया ताकि उनका मेडिकल किया जा सके। वहां पर उनके यूरिन और ब्लड के सैंपल्स लिए गए। उसके बाद उनकी यूरिन की मिसबत रिपोर्ट के मुताबिक उनके जो सैंपल्स थे उसमें पाई गई थी आइस। जी हाँ, और हर आइस होती नहीं नाइस। आइस क्या है? आइस एक खतरनाक नशा है जो इंसान में एक अननेचुरल पावर पैदा कर देता है और कुछ देर के लिए ही सही इंसान जो है वो बेइंतहा एक्टिव हो जाता है और वो अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट और दूसरों को अहमक समझता है और तेज तेज बोलता है। जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि उंगलियां उठा उठा कर नताशा अजीबोगरीब अंदाज में बात कर रही थी और वो लोगों से ये भी कहती हुई नजर आ रही थी कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते। यानी कि वो इस हद तक नशे में मुब्तला थी कि उनको ये एहसास तक नहीं हुआ कि उन्होंने किसी की जान ले ली है। फिर उसके बाद उनको जिना अस्पताल मुंतकिल करने के बाद जब उनके पर ये शवाहिद मिले आइस के, तो फिर उनको जेल में डाल दिया गया। जेल की बी कैटेगरी में वो मौजूद मौजूद रही और बी कैटेगरी में जो सहूलियात होती हैं एक प्रिजनर को, वो उनको मुहैया की गई थी। यानी कि उनका खाना जो है दोनों तीनों टाइम का घर से पक के आता था और उनको मिलने जुलने पर कोई पाबंदी नहीं थी। और ये तमाम जो चीज़ें थी, ये जो तमाम फैसिलिटीज थी, वो उनको किसी अदालत ने नहीं दी थी, वो उनको कायद आजम ने प्रूव करके दी थी। जी हाँ, आप समझ तो गए ही होंगे। लेकिन आज 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान के दिन आज हमारी अदालतों ने हमें एक तोहफा दिया यौम दिफा के हवाले से कि नताशा को इस केस से रिलीफ मिल गया है। जी हाँ, दियत की रकम अदा करने के बाद ये केस खत्म कर दिया गया है और उनको जमानत मिल गई है। जी हाँ, ये है हमारे मुल्क का कानून। इस हवाले से हम अपने नुमाइंदा वकार से मजीद अपडेट लेते हैं और वकार से पूछते हैं कि मुलजिमा नताशा की जो जमानत हुई है उसके हवाले से उनके पास क्या मजीद अपडेट्स हैं। जी वकार। सबा बिल्कुल, सानिया कारसाज की मरकजी मुलजिमा नताशा और इसमें जांबाग होने वाले आमना आरिफ और मोहम्मद आरिफ जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, इस हादसे में जांबाग हो गए थे। उनके वर्सा के दरमियान आज एक माहदा तय पा गया है जिसकी कापी इब्रत न्यूज़ ने हासिल कर ली है और वर्सा को इस जमानत पर कोई एतराज़ नहीं है। ये जो माहदा हुआ है इसमें आरिफ साहब की अहलिया, बेटे उसामा और बेटी उमायमा की जानिब से दाखिल कराया गया है। माहदे में ये मामला तय पाया है कि इन दोनों मरहूमीन के दैत के तौर पर 5.5 करोड़ रुपए की रकम अदा की गई है जो एक पे ऑर्डर के जरिए दी गई है। वर्सा का कहना है कि हम पर कोई दबाव नहीं है, हमने अल्लाह की रजा के लिए यह माहदा किया है। इनका कहना था कि ये इतफाकिया हादसा था, इसलिए इन्होंने इनको माफ़ कर दिया है। और सबा इतलात के मुताबिक मरहूम के अहल खाना में से किसी एक शख्स को मुलजिम नताशा की किसी कंपनी में मुलाजिमत भी दी जाएगी। जी जी बहुत शुक्रिया वकार आपका। तो ये था हमारे कंट्री का कानून कि गरीब आदमी के लिए ये कानून है और अमीर के लिए ये है। जिन दिनों ये हादसा पेश आया था उन्हीं दिनों सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़ा तूफान बर्पा किया था कि आमना आरिफ को जो है वो उनकी उनका हक अदा किया जाए, उनके खून का हक अदा किया जाए जो वो जान से गई। तो उसी दौरान एक और फुटेज बार बार सामने आ रही थी जो कनाडा से थी और कनाडा में एक लड़के से भी इसी तरह एक हादसा पेश आया था और उसके हाथों भी कुछ अफराद की जान गई थी। 23-24 साल का वो लड़का था और वहाँ की अदालत ने उसको 24 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कहने को तो कनाडा एक काफिर मुल्क है और वो खंजीर खाते हैं और हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ हलाल खाया जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ हराम खाया जाता है हलाल की
रैपिंग करके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।